आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज। मेरे एक व्यूवर ने कमेंट में बोला कि मैम प्लीज डायबिटीज पे कुछ बताइए। बहुत से लोगों को मालूम है कि डायबिटीज क्या है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि डायबिटीज क्या है। आज के टाइम में हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज है, लेकिन पहले के टाइम में सिर्फ जो बड़े बूढ़े हमारे होते थे उनको डायबिटीज़ होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, उनको भी डायबिटीज़ है। तो आप सोचिए, अगर यंग लोगों को डायबिटीज़ है तो जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो उनको भी डायबिटीज़ होगी। मैं ये नहीं कहती कि सबको डायबिटीज़ होगी, लेकिन जेनेटिकली जो पेरेंट्स को होता है वो बच्चों में कहीं ना कहीं आता ही है। इसलिए ये बहुत ही हमारे देश के लिए बुरी बात है कि आज के टाइम में यंग लोगों को भी डायबिटीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं स्टे फिट विद प्रियंका। डायबिटीज़ एक तरह की ऐसी डिजीज़ है जब आपका ब्लड ग्लूकोज, जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज मेन सोर्स होता है एनर्जी का, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में चला जाए तो इससे बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक डिजीज़, डेंटल डिजीज़, बहुत सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊँगी आपको, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊँगी जिससे आपके पैसे खर्च हों। मैं हमेशा ही ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपके हाथ में होती हैं। तो हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसे अपनी लाइफ से कैसे टाटा बाय बाय कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के थ्रू आपके अंदर जो शुगर होती है उसको आप पसीने के थ्रू उसको बर्न करते हैं, आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर लोगों के लिए। मैं हमेशा ही बताती हूँ, एक्सरसाइज से सिर्फ डायबिटीज़ ही ठीक नहीं होती, एक्सरसाइज से तो बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं। इसलिए जब आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। कंट्रोल शुगर इनटेक, आपको ज़्यादा शुगर लेने से बचना है, और ऐसे शुगर लेने से बचना है कि जब कंपनी शुगर को प्रोसेस करती है उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर निकाल देती है, और जब शुगर में से फाइबर निकल जाता है तो वो बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, और वो जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से आपका ब्लड स्पाइक होता है, जिससे कि इंसुलिन भी स्पाइक होता है, और यही अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहे तो ये डायबिटीज़ का कारण बन जाती है। डोंट वेस्ट मनी फॉर मेडिसिन। मैं आपको बता दूँ कि इसका एक ही इलाज है और वो है एक्सरसाइज और डाइट। डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास जाके अपने पैसे वेस्ट ना करें। फाइबर फूड, कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें फाइबर ना हो। जितना भी खाएं, जो भी खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट में फाइबर हो, जैसे कि होल वाइट, ब्राउन राइस, हमेशा ऐसी चीज़ खाएं जिसमें कि बहुत फाइबर हो। अब करते हैं डाइट की बात। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं? आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं स्प्राउट्स खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। दोपहर के खाने में आप क्या खाएं? दोपहर के खाने में आप पहले, खाना खाने से पहले एक तो भरपूर सैलेड खाएं, आप कच्ची वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। अगर आप कच्ची वेजिटेबल्स नहीं खा सकते तो उसको थोड़ा सा सोटे कर लें, और अगर आप रोटी खाते हैं तो ऐसा अनाज खाएं जिसमें रेशा युक्त अनाज खाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेशा हो, बिना रेशा युक्त अनाज ना खाएं। अब करते हैं स्नैक्स की बात। स्नैक्स में आप जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। क्या ना खाएं? जितना हो सके पैक्ड चीज़ों से बचें, जैसे जूसेस हो गए, और जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वगैरह होता है ये तो बिल्कुल भी ना लें, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। तो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आप इस पर काम करेंगे और जितना हो सकेंगे अपने सेहत का ध्यान खुद रखेंगे। कोई नहीं आएगा आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, आपको खुद अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो अपने ज़िंदगी का पार्ट बना लीजिए। अगर आपको किसी डायबिटीज़ ही नहीं, किसी भी बीमारी से लड़ना है तो इसको अपना पार्ट बना लीजिए। स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।